अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे कढ़ाई चिकन। कढ़ाई चिकन बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे। हमने लिया है 500 ग्राम चिकन, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे बारीक कट कर लिया है, और कुछ खड़े मसालों में लिया है 1 चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1 स्टार फूल, 3 छोटी इलायची और 1 इंच दालचीनी। आप चाहें तो खड़े मसालों को पीस भी सकते हैं, लेकिन मैं आज ऐसे ही डाल के बनाऊंगी खड़े मसाले के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल, 4 चम्मच के करीब ऑयल है ये। मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप अपने पसंद का कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल अगर यूज़ कर रहे हो तो इसे अच्छे से हीट होने दें, वरना आपके चिकन में स्मेल आएगी। तो हमारा तेल हीट हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम अपने खड़े मसाले। आप चाहें तो काली मिर्च अवॉइड भी कर सकते हैं। मैंने इसमें डाला है 3 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे हमने बारीक कट कर लिया है। अब हम इसे चलाते रहेंगे, हमें इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखें और हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते रहें, बहुत जल्दी इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया है, बस इसे हमें थोड़ा और भूनना है। फिर हम इसमें डालेंगे हम अपने अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे हम चलाते रहेंगे, बस 1 मिनट और हम इसे ऐसे चलाएंगे। ये देखिए हमारी प्याज रेडी है, अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर दें, इसे अच्छे से चला लें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। हमें इसे 1 मिनट तक इसे भी चला लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने इसे भून लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे हमने बारीक कट कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और अच्छे से मिक्स कर दें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आप जैसे हल्का तेज़ खाते हों। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। चलिए हम गैस का फ्लेम लो कर देते हैं। लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देते हैं ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट हो गया है, चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारे टमाटर गल गए हैं, हम इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि इसमें से जो टमाटर गला ना हो वो भी अच्छे से गल जाए, मिक्स हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे अपना चिकन और इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। चलिए हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे ताकि मसाले और चिकन अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसे कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। चलिए हम इसे कवर करके रख देते हैं 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ताकि हमारे चिकन अच्छे से गल जाएं। हम इसे बीच बीच में एक एक बार ऐसे चेक करते रहेंगे, वरना जो हमने मसाला पाउडर डाला है वो नीचे से लगने लगेगा और हमारे चिकन ख़राब हो जाएंगे, कड़वाहट आ जाएगी उसमें। तो हम बीच बीच में इसे 1-2 बार चला देंगे। चलिए हम इसे फिर कवर करके रख देंगे और 20 मिनट तक इसे पकने देंगे। 15 से 20 मिनट हो गया है हमारे चिकन को पकते हुए, चलिए देखते हैं हमारे चिकन पक गया है या नहीं। ये देखिए हमारा चिकन पक गया है और मसालों में से भी अच्छी खुशबू आने लगी है। तो चलिए अब करते हैं गैस का फ्लेम बंद और इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। हमारी चिकन कढ़ाई बोले या फिर चिकन 2 प्याज़ा बोले बनकर रेडी है। चलिए हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप इसे रोटी, नान, पराठे के साथ इंजॉय करें, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आपने देखा बनाने में भी बहुत ही आसान है,
हम इसे हरे धनिए के साथ गार्निश करेंगे। आप इसे एक बार बनाएं और मुझे फीडबैक लाजमी दें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी चिकन कढ़ाई या चिकन दो प्याज़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।